हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला लुक शेयर करूँगी जो कि बहुत ही सिंपल सा है। तो मैं जब भी जल्दबाजी में रहती हूँ और मुझे कहीं जाना रहता है कोई फंक्शन में, मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं इसी तरह से मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि बहुत ही ईजी मेकअप लुक है। तो सबसे फर्स्ट मैं लगा ली प्राइमर, उससे पहले मैं अच्छे से स्किन केयर कर ली थी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, और ये वाला जो फाउंडेशन है ये लॉरियल का फाउंडेशन है। मैं 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा बोल सकते हैं फेवरेट फाउंडेशन है। और भी फाउंडेशन है बट इसका जो लुक आता है वो काफ़ी नेचुरल आता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ये स्किन में अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है ईजिली। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट जो कि सेम रेंज का है लॉरियल का, और इसे मैं रिसेंटली परचेस की थी कुछ मंथ पहले। मैं सोची कि फाउंडेशन अच्छा लगा तो इसका कॉम्पैक्ट भी अच्छा ही होगा। जब मैं यूज़ की तो थोड़ा सा, अब जब अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा है, बट अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद बहुत ही ये भी नेचुरल इफेक्ट देता है और नेचुरल लुक क्रिएट कर देता है। तो मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है, कवरेज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्लश जो कि है NYBA का ब्लश, और इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और ये वाला ब्लश भी मैं रिसेंटली परचेस की हूँ, ये आपको 200 के अंडर ही मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा ब्लश है रिजनेबल रेट में, तो ये परफेक्ट ब्लश है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ काजल जो कि है मामाअर्थ का काजल। इसे मैं इस तरह से लाइनर की तरह ड्रॉ कर लूँगी और फिंगर की हेल्प से स्मज कर लूँगी। इससे क्या होता है ना कि स्मोकी आई इफेक्ट भी आता है, और जब आपके पास टाइम नहीं है और आपको एक अच्छा सा लुक क्रिएट करना है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक लुक क्रिएट हो जाता है आपके आईज़ में जब आपके पास आई शेडो वगैरह लगाने का टाइम नहीं है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, और मैं 2 लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करूँगी, 2 कलर का। पहले मैं इस तरह से डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी एकदम लाइट पिंक, बेबी पिंक बोलते हैं उस टाइप का शेड मैं यूज़ करूँगी। इससे क्या होता है ना, एक ओमरे लुक क्रिएट हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इस तरह से लगाया करती हूँ, देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश करूँगी अब कंटिन्यू वीडियो डालने का, बहुत दिन का, बहुत मंथ के बाद मैं वीडियो डालना स्टार्ट की हूँ इस चैनल पे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल आईब्रो फिल करने के लिए। मैं ज़्यादातर आईब्रो किट से ही आईब्रो फिल करना प्रेफर करती हूँ, बट अभी मिल नहीं रहा था तो मैं इस क्लियर का आईब्रो पेंसिल रखा हुआ था, तो मैं इसे के यूज़ करके आप लोगों को ये लुक दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये यूज़ करूँगी एक छोटा सा बिंदी और कंप्लीट करूँगी इस लुक को। आई होप आप लोगों को ये वाला लुक अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।